मुहर्रम की 10वीं तारीख को अंजुमन कमेटी के द्वारा रोजा इफ्तार का एहतमाम किया गया और मदरसों के बच्चों के इम्तहान भी कराया गया। प्रदेश भर में मुहर्रम का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहडोल जिले के केसवाही में 10 रोजा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जो कि आज 10 मुहर्रम को सुबह से ही इमाम चौक केसवाही में लंगरे आम का सिलसिला चलता रहा। यह भी बताया जा रहा है कि 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को हर मुसलमान भाई और बहन रोजा भी रखते हैं, जिसमें अंजुमन हबीबिया कमेटी केसवाही के द्वारा रोजा इफ्तार बाद नवाज मगरिब रोजदारों को रोजा इफ्तार कराया गया। यह प्रोग्राम देर रात तक चलता रहा, लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर बाद नवाज ईशा मिलाद शरीफ का एहतमाम किया गया। उसी दरमियान केसवाही मदरसा अंजुमन हबीबिया कमेटी के आवाम अपने अपने बच्चों को मदरसों में दाखिला कराया गया था, जो कि कल उन्हीं बच्चों का इम्तहान कराया गया। मौलाना मोहम्मद जुबैर आलम ने जो भी सवाल बच्चों से पूछे गए, बच्चों ने न घबराते हुए उन सवालों के जवाब फटाफट अंदाज में दे दिए गए। यह सब देखकर बच्चों के वालिद वालिदा के चेहरे में कुछ अलग ही खुशी नजर आई। बहुत उत्साह अंदाज में अपने अपने बच्चों को गले लगाए। उस्ताद अब्दुल बकील साहब इन बच्चों के लिए पूरी आवाम ने दुआएं खैर की। बच्चों के इम्तहान के बाद इन्हें इनाम से नवाजा गया। मोहम्मद अजहर अली, मोहम्मद अनीश अहमद इनके द्वारा भी कुछ इनाम दिए गए। मौलाना जुबैर आलम हाफिज मोहम्मद आफताब आलम हाफिज मोहम्मद जमील हाफिज नवाब रामपुरी मोहम्मद गुलशेर सदर मोहम्मद रियाजुद्दीन सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खुर्शीद लल्लू मोहम्मद अजीम मोहम्मद शलीम और भी गांव की आवाम बुजुर्गों के हाथों से इन बच्चों को इनाम दिया गया। 10 रोजा प्रोग्राम में पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा और चाक चौबंद व्यवस्था देखा गया।